अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो T3 पे डिजी यात्रा ऐप काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट और अपना ऑनलाइन टिकट जो आपने बुक किया होगा वो दिखाना होगा। डिजी यात्रा ऐप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए ही है। थैंक यू। Passport and visa also, no? Hi, ma'am. हमारे पास ये सारा सामान। Rohit sir actually called me yesterday in the evening and he's like, I am getting two bottles, but you get one more because Sushweta bhi peeti hai. Rohit sir ne, to humko kam padega, so you get a bottle. He should have got another one. He told that. Yeah, he called me up personally. But I should have said na ki no, she will not drink this time. Why would I tell this thing? Because last time you were scandalized. Yeah, no, no, no. हाँ हाँ प्लीज ले लेना। नमस्कार सर। थैंक यू। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अल्कोहल भी सर्व होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम फाइनली दुबई पहुंच चुके हैं और ये है अपने होटल से दुबई का व्यू। हमारा होटल है दुबई क्रीक में और यहाँ से सुपर अमेजिंग व्यू है यार दोस्तों, क्रेजी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन नया सफर। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू दुबई और ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस दिल्ली से दुबई तक का आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट की एंट्री से लेके फ्लाइट में बैठने तक का हर चीज़ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं बात करूँ कौन कौन से पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊँगा, वो है डिजी यात्रा ऐप, दूसरा बैगेज का चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक इन, ड्यूटी फ्री और जो फ्री लाउंज एक्सेस होता है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस जो फूड कोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट का वो, और एक वॉकिंग टूर पूरे एयरपोर्ट का, वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो बात करें अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे आप पहुंचते हैं तो क्या यहाँ पर डिजी यात्रा ऐप काम करता है या नहीं करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, आपको अपनी जो टिकट आपने बुक करी है ऑनलाइन वो दिखानी होगी। इनफैक्ट अभी आप देखिएगा, जैसे ये मेरी है टिकट जो ऑनलाइन मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, मेरे हाथ में है प्रिंट, मेरे हाथ में है पासपोर्ट और ये मैंने इनको दिया। ये देखेंगे मेरी प्रॉपर जो मैंने टिकट बुक करी है उसको प्रॉपर देखते हैं, फिर मेरा पासपोर्ट देखेंगे और फिर तभी मेरे को अंदर एंट्री करने का ऑप्शन मिलता है। मेरे पास इस बार बहुत सारा सामान है। तो इस वीडियो में आपको ये आइडिया भी हो जाएगा, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कितना लगेज अलाउड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया की है तो मुझे 30 kg अलाउड है। मैं 30 kg तक अगर मेरे पास कपड़े हैं या कुछ भी है तो 30 kg तक मैं ले जा सकता हूँ। और अब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री जैसे ही करते हैं
तो आपको सबसे पहले कैसा क्या करना है, आपको जाना है काउंटर पे। तो आपको पता कैसे चलेगा काउंटर का कि आपकी फ़्लाइट की जो मतलब जहाँ से आपको बोर्डिंग करनी है, मतलब जो बोर्डिंग आपको पास मिलेगा, आपको अपना जो लगेज चेक इन कराना है वो कहाँ पर है? तो सामने आप देख सकते हैं LMN, ML और M। यहाँ पर मतलब आपको, मतलब अगर आप किसी से भी पूछेंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं आज एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो यार हमारा काउंटर कहाँ है। तो कोई भी यहाँ पर मना नहीं करेगा, आपको लोग हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं भी इनसे भाई साहब से पूछूँगा और इन भाई साहब ने कहा कि हमारा जो काउंटर है एयर इंडिया का वो आगे है, अब हमें क्या करना है, अपने काउंटर पर जाना है, अपनी ऑनलाइन जो हमने टिकट्स बुक करी हैं वो उन्हें दिखानी है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, इनफैक्ट अपना वीज़ा भी दिखाना है। देखिए कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ना अराइवल होता है तो वहाँ नहीं चाहिए, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, वहाँ मलेशिया है, इन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा नहीं दिखाना है, अपनी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो आपने टिकट्स बुक करी हैं वो दिखानी होती हैं अपना बोर्डिंग पास के लिए और अपना लगेज चेक इन कराने के लिए। लेकिन दुबई में आपको वीज़ा पहले से ही लेना पड़ता है। वीज़ा की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 रुपये है सिंगल एंट्री, मतलब वैलिडिटी 30 डेज़ की रहती है और आप एक बार जा सकते हैं और एक बार वापस आ सकते हैं विद इन 30 डेज़ के अंदर। और हमारा काउंटर ये था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है तो ये मैडम हमको अभी एयर इंडिया के दूसरे काउंटर पे ले जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे आप अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि कम से कम 3.5 या 4 घंटे पहले पहुँचिए, क्योंकि जो ये लगेज चेक इन कराने के लिए जो भीड़ होती है ना वो बहुत ही लंबी होती है और बहुत टाइम लग जाता है। आप ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स भी मैंने स्पेंड किए हैं एयरपोर्ट पे लगेज चेक इन कराने के लिए। तो रिकमेंडेड है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में, क्योंकि लगेज चेक इन कराने के बाद आपका इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन जहाँ पर आपके वीज़ा चेक होते हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट चेक होगा, उसमें भी बहुत लंबी लंबी लाइन मैंने इनफैक्ट वहाँ पर भी 40-45 मिनट निकाले हैं। और उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी चेक इन है तो ऑलमोस्ट आपको 2.25 घंटा लग जाता है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आज मुझे इतनी भीड़, इतना रश मुझे लग नहीं रहा है, मतलब तो छोटी छोटी लाइन है। आप यहाँ पर अपना जो काउंटर है एयर इंडिया का है और ये यहाँ पर हम लगेंगे और अपनी बारी पे अपना सारा सामान, जैसे हम 3 लोग हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली टू दुबई, हमारा कुछ ऑफिस का काम है, तो हमारे पास जो 3 लोगों का जो वेट है हो गया, मतलब जितना हमें अलाउड है वो 90 kg है, तो मैम 90 किलो, ऑलमोस्ट 90 किलो इंडिया से दुबई कपड़े या कुछ भी ले जा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑफिस के काम से रिलेटेड कुछ सामान है, अपने कुछ बैग्स हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अभी आप देखिएगा कि कैसे हम अपना पूरा लगेज और का चेक इन और अपने हम अपना कैसे पासपोर्ट इनको देते हैं, हमें कैसे बोर्डिंग पास इनसे मिलेगा और वो सारा प्रोसेस। इसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। Hi ma'am, हमारे पास ये सारा सामान है, यात्री पैसेंजर्स ये सब है मैम। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर एन इवेंट तो उसका सामान होगा, सम ब्रोशर्स एंड सम स्टैंडीज। तो जैसे ब्रोशर्स होते हैं ना एंड स्टैंडीज होती हैं जिससे प्रॉपर कंपनीज का, वो सब कुछ बड़ी दिस। Why are you giving me this? She gave you. This is yours then. How come you have more pages? Because I added my insurance also to it. What insurance? Insurance from people like you. My mother made me lock my suitcases. I never lock them. I don't lock my suitcase. I never do. This time she gave me a lock. I couldn't open my lock, you know, in Calcutta. Oh shit. Yeah, then I had to break the lock. Oh no. So I had to buy a new suitcase now.
But still, I locked this one. This is a new one. I'm sure nothing will happen to this. Again, I have to break the lock then. Put it on the side. Put it on the corner. Put it on the corner. Don't tell him too many things to do. तो हमारा जो पर्सनल जो लगेज है, जो उसका जो बैगेज है, वो उसका चेक इन हो चुका है। ये ऑफिस के काम की कुछ चीज़ें हैं, इनका अलग से कुछ वेट चेक होता है और इनको अलग से ले जाया जाता है। उसके लिए एयर इंडिया का ही ये काउंटर है, यहाँ पर इनको प्रॉपर इनका जो लगेज या चेक इन, जो बैगेज चेक इन किया जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि हम अब फ्री हैं, अब हमें बोर्डिंग पास अभी मिल जाएंगे। मैं आपको भी दिखा दूंगा बोर्डिंग पास, क्योंकि ये जैसी फॉर्मेलिटी ख़त्म होती है और हमारे बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं और हमारा बैगेज चेक इन का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो डन है। अब हमें जाना है अपने इमिग्रेशन और वीज़ा चेक के लिए। जैसे आप यहाँ से फ्री होते हैं, आपको सामने दिखाई देगा इंटरनेशनल डिपार्चर, लेफ़्ट में डोमेस्टिक है। हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो दिल्ली टू दुबई, तो हमें यहाँ सामने जाना है। यहाँ पे हमारा पासपोर्ट और हमारा वीज़ा चेक होगा कि क्या हमारे पास वैलिड वीज़ा है या नहीं है। और आप कहीं पर भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर आपको पहले से वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपके वीज़ा चेक होते हैं। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर ज़रूरत नहीं होता। लेकिन इमिग्रेशन में मैंने बहुत लंबी लाइन देखी है, आज इतनी लंबी लाइन नहीं है और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों। तो मैं अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ अपना कैमरा और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ तो फिर सिक्योरिटी चेक इन मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर पासपोर्ट और आपका वीज़ा चेक किया जाएगा। साइड से आ जाए तो तो हमारा इमिग्रेशन वीज़ा चेक हो चुके हैं, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है हमारे को अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना है। हमारे पास जो हैंड बैग्स हैं वो चेक होंगे। यहाँ पर हमारा कुछ पासपोर्ट या हमारा कोई वीज़ा चेक नहीं होने वाला है। बेसिक फॉर्मेलिटी है कि जो हमारे हैंड बैग्स हैं उसमें हम ऐसा कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटर नहीं होना चाहिए, कोई शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सब जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे होता है वो सेम फॉर्मेलिटीज़ है कि लैपटॉप को बाहर रखो, एक ट्रे में डालो, आपका पूरा बॉडी स्कैन होता है, वो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है। और इसके बाद ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा। यहाँ पर भी अगेन कैमरा अलाउड नहीं है तो मुझे वो बंद करना पड़ेगा। बाकी ये सब कुछ होने के बाद फिर हम अपना ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। दुबई? हाँ जी सर, शुक्रिया।
तो दोस्तों अपना हो चुका है सिक्योरिटी चेक इन, मतलब वीज़ा इमिग्रेशन डन हो गया और अपना सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। अब हम फ्री है, हमारा लगेज चेक इन हो चुका है, आपने देखा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं। मैं आपको प्रॉपर एक वॉकिंग टूर दूंगा पूरा एयरपोर्ट का। सबसे अमेजिंग जो चीज़ है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जब आप दिल्ली टू किसी भी इंटरनेशनल कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, वो है ड्यूटी फ्री। और जो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर बस लोगों के बैग चेक होते हैं, आपको अपनी बेल्ट निकालनी पड़ती है, आप अपने को जूते निकालने पड़ते हैं, मतलब अगर आपने हाई हील शूज़ पहने वो भी निकालने पड़ेंगे, जैकेट अगर आपने पहनी हुई है एक टी शर्ट के ऊपर जैकेट, वो भी निकालनी पड़ेगी। मतलब प्रॉपर तरीके से आपके बैग्स और आपकी चेक होती है कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ ना कैरी करें जिस जो अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटर, अगर आप दुबई से इंडिया आ रहे हैं तो आप लाइटर कैरी कर सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली से दुबई जा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते फ्लाइट में। मतलब थोड़ा सा अजीब है, हमारे कंट्री के ये रूल्स रेगुलेशन है तो क्या कर सकते हैं, बट ये सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो है ड्यूटी फ्री। आप देखिए कितना सुपर अमेजिंग है, आई जस्ट टेक यू। मतलब अब आप देखो कि ये सब फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद आप ऑलमोस्ट फ्री हैं। अब अपना खाइए पाइए, अपना खाइए पीजिए, रेस्ट कीजिए, और जब बोर्डिंग होने लगेगी तो जिस भी फ्लाइट, मतलब जहाँ जिस भी गेट से आपकी बोर्डिंग होनी है, बस वहाँ जाइए, वहाँ से फ़्लाइट में बैठिए और निकल जाइए अपने डेस्टिनेशन के लिए। अरे आगे भी होगा दोस्तों, ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने कॉस्मेटिक के, मतलब आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, कपड़ों से लेके कॉस्मेटिक से लेके अल्कोहल से लेके परफ्यूम से लेके कुछ भी, सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छे रेट्स पे मिलता है। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया टू कहीं पर भी, और आप मतलब देखिए ऑलमोस्ट प्रोसेस और जो स्टेप्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, एयरपोर्ट पर पहुँचना है, लगेज चेक इन कराना है, इमिग्रेशन होता है, वीज़ा चेक होता है, उसका सिक्योरिटी, फिर ड्यूटी फ्री, फिर आपका बोर्डिंग गेट, और फिर आप अपना फ्लाइट की तरफ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन पूछिए, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं आई विल बी रियली हैप्पी, मैं आपको जवाब देना चाहूँगा और आपको हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए बहुत नर्वनेस हो जाती है। मेरे साथ भी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, और बट लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात अलग है, इस ड्यूटी फ्री की बात अलग है। यहाँ पर बहुत अमेजिंग वाइब है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर, अगर आपके जेब में पैसे हैं और आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल कीजिए और एयरपोर्ट से सब कुछ ले सकते हैं आप, सब कुछ। अभी अपनी तो इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि हम कुछ भी ख़रीद लें, तो लेकिन देखने में क्या जाता है, मतलब देख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वॉकिंग टूर दूंगा पूरे एयरपोर्ट का, आप देखिए कितना अच्छा है एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ अपना फ़्लाइट का इंटीरियर कैसा है, अपना एयर इंडिया का फ़्लाइट का इंटीरियर जिससे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू दुबई। You can. See any which ways? I'll be very honest. Buy one, get one. Which one? Kya likha hua hai? Mumbai se fire. Wo card nahi. Wo dikha jaldi nahi. You won't believe, Rohit sir actually called me yesterday in the evening and he's like, I am getting 2 bottles, but you get one more because Sushweta bhi peeti hai. Rohit sir ne, to humko kam padega, so you get a bottle. He should have got another one. Yeah, he called me up personally. But I should have said na ki no, she will not drink this time. Why would I tell this thing? Because last time you were scandalized. हाँ हाँ प्लीज़ ले लेना, अभी जूस में मिला के पी लेंगे।
वही जूस में मिला के पी लेंगे इसको. अपोजिट में ही है. इसमें से एक निकालना, एक बॉटल निकालना है इसमें से, इसमें से एक, एक एक निकालना है. दोस्तों देखा आपने ड्यूटी फ्री T3 पे कितने सारे ऑप्शंस थे शॉपिंग करने के लिए. तो ये है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का फूड कोर्ट. अगर आपको कुछ खाना है और अगर आपके पास लाउंज एक्सेस नहीं है तो आप यहाँ फूड कोर्ट आ सकते हैं. तो यहाँ पर सब कुछ है, KFC देखा, डोमिनोज है, अपना सबवे है, अपना यहाँ से खाना पीना कीजिए जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर होता है वैसे ये सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर. बस एक अलग चीज़ वही है, ड्यूटी फ्री होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए. डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ड्यूटी फ्री नहीं होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में जो T3 का है. ये दोनों ही T3 पे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. बट देन यहाँ पर इंटरनेशनल में आपको बस ड्यूटी फ्री का ऑप्शन मिल जाता है कि जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं. मैं आज सुबह यहाँ बैठ के खा रहे हैं. You guys go and check the menu. मेन्यू तो देख लो खाने का. अगर अगर इधर नहीं आता है तो we'll go to that जहाँ पर हम. I am standing here only. सुष्मिता ला पानी बोतल दे दो. Which one? Near the gate. यही है. बियर में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? किंगफिशर, ये हेनिकेन, ये सब नहीं है यहाँ पे? देखते हैं ना ये वाला बार में, देखते हैं यार ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है. इट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ. स्टारबक्स सुष्मिता नो दैट देयर इज नथिंग. वहाँ से तो गेट है नहीं है. नो स्टारबक्स हो रहा. यू हैव द कार्ड? नो विल आस्क देम. नो हाँ तो तू पहला अपना चालू करा ले.
दोस्तों फाइनली हमारा बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और हम अब जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास, जहाँ पर जहाँ से हम अपने फ्लाइट की तरफ जाएंगे और बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे दिल्ली से दुबई। वहाँ बस कुछ नहीं है, अपना आपको टिकट दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी, बेसिक फॉर्मेलिटी ये होती है। बाकी अब देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ फ्लाइट का इंटीरियर अंदर कैसा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी फटाफट चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास और फिर अपनी फ्लाइट की तरफ। अभी गेट ओपन ही नहीं होगा। लेट्स इट योर ओन वी वांट इट दैट साइड। हां दैट्स आवर गेट। या Thank you.
Ours is the last seat, you know. Namaskar. Namaskar, sir. Last seat. Thank you. और ऐसा कुछ है फ़्लाइट का इंटीरियर दोस्तों, एयर इंडिया दिल्ली टू दुबई की फ़्लाइट का। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़्लाइट में आपको खाना मिलता है, अल्कोहल सर्व होता है, स्पेशली सिर्फ दुबई जाते वक्त और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो आपको उस फ़्लाइट में अल्कोहल सर्व नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अल्कोहल बैन है। तो आपको फ़्लाइट में भी पीना अलाउड नहीं है। अगर आप बाई चांस पी लेते हैं, अगर फ़्लाइट में बैठने से पहले पी लेते हैं, अगर वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पकड़े जाते हैं, तो दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर यू। हो सकता है आपको जेल में उठा के डाल दिया जाए। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि प्लीज़ एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो रैंडम आप यूरिन टू अल्कोहल अगर आप ड्रिंक करते हैं, तो मेक श्योर जहाँ पर भी जा रहे हैं थोड़ा सा रिसर्च किया हो कि अगर आपने पहले से फ़्लाइट में पी ली है तो वहाँ पर जाके प्रॉब्लम ना हो। जैसे थाईलैंड जाइए, जितना मर्जी पीजिए कोई नहीं पूछने वाला। दुबई जाइए, जितना मर्जी पूछे कोई नहीं पीने वाला है, मतलब पूछने वाला है। बट देन कुछ कंट्रीज़ में थोड़ा सा है जो बहुत बहुत जहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो रिस्क मत लीजिएगा। बाकी ऐसी कुछ फ़्लाइट का इंटीरियर है। एयर इंडिया अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँची है टाटा के टेक ओवर के बाद भी। अगर आप एमिरेट्स ट्रैवल करेंगे, आप सिंगापुर एयरलाइंस ट्रैवल करेंगे या एथियर ट्रैवल करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस सुपर अमेजिंग है, नो डाउट अबाउट इट। बट ठीक है, हमारी आन बान और शान है एयर इंडिया, बट नो कंप्लेंस। बाकी कुछ ऐसा है इंटीरियर, और बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। अब ये है हमारी सीट और मैं नेक्स्ट दुबई पहुँच के आपको दिखाता हूँ अपने होटल का व्यू। तो ऐसा है कुछ अपना दुबई, मतलब लुक एट द व्यू कितना सुपर अमेजिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं फॉर श्योर आपको रिवर्ट जरूर करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।